नमस्कार, मैं हूं अमित पाले और आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाने पर कांग्रेस में फूट पड़ गई है। यूपीए सरकार में देश के कानून मंत्री रहे वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद और अश्विनी कुमार जैसे लोगों ने महाभियोग प्रस्ताव का विरोध किया है। संविधान और कानून के कई जानकारों ने भी महाभियोग लाने को सही नहीं बताया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये महाभियोग बदले की भावना से लाया गया है। जो मर्यादा उस पद की होनी चाहिए, उस पद की मर्यादा का चीफ जस्टिस ने उल्लंघन किया है। सारी परिस्थितियों का आकलन लेते हुए अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं महाभियोग के प्रस्ताव का विरोध करता। कोई भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का हो, उसका एक अपना अहम ओहदा होता है। उस ओहदे की चीफ जस्टिस साहब को भी इज्जत करनी चाहिए। कोई निर्णय आ जाए, वो आपको पसंद ना आए, उसको लेकर आप ऐसी चर्चा करें कि कोर्ट का विरोध है या कोर्ट का विरोध करने कोई जा रहा है, तो मैं समझता हूँ वो उचित नहीं है। कोर्ट का जो भी निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है, उसको स्वीकार करना होता है। चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाकर कांग्रेस बाहर से लेकर अंदर तक बुरी तरह घिर गई है। हर मुद्दे पर कांग्रेस का साथ देने वाली पार्टियों की बात छोड़ दें, महाभियोग प्रस्ताव पर कांग्रेस घर के अंदर ही बट गई है। एक नहीं, कांग्रेस के दो दो कानून मंत्रियों ने अपनी पार्टी के फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने जैसे तैसे महाभियोग का समर्थन करने के लिए सात दलों को तो अपने साथ कर लिया, लेकिन अपने कुनबे को ही संभाल नहीं सकी। आपको बताते हैं कि वरिष्ठ वकील और देश के पूर्व कानून मंत्रियों ने क्यों कांग्रेस के महाभियोग प्रस्ताव का विरोध किया। संसद और न्यायपालिका के बीच में टकराव नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका को अपने आप को सुधारना है, ये बात अपनी जगह सत्य है, मगर क्या महाभियोग के रास्ते से ही उन जो मुद्दे हैं उनका समाधान हो सकता है? महाभियोग का प्रस्ताव अगर अवॉइड हो जाता तो बेहतर होता। आज ये बहुत दुख भरा दिन है। कोई निर्णय आ जाए, वो आपको पसंद ना आए, उसको लेकर आप ऐसी चर्चा करें कि कोर्ट का विरोध है या कोर्ट का विरोध करने कोई जा रहा है, तो मैं समझता हूं वो उचित नहीं है। कोर्ट का जो भी निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है, उसको स्वीकार करना होता है। कांग्रेस और उसके साथ खड़ी सात पार्टियों ने महाभियोग प्रस्ताव में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ 5 आधार गिनाए हैं। जस्टिस दीपक मिश्रा पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है, लेकिन कांग्रेस की भद तब पिट गई जब पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने महाभियोग पर सवाल उठा दिया। Impeachment is too serious a matter to be played with frivolously on the grounds of disagreement with any judgment or with any point of view of the court. I am not party to, or privy to the discussions that have taken place between different parties. आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कांग्रेस के इस प्रस्ताव पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी दस्तखत नहीं किए हैं। कहा जा रहा है कि मनमोहन सिंह इसके पक्ष में नहीं है, इस वजह से उन्होंने महाभियोग के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, कानून के जानकार और यूपीए सरकार में वित्त गृह जैसे अहम मंत्रालय संभाल चुके पी चिदम्बरम ने भी महाभियोग प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं किए हैं। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह ने प्रस्ताव पर दस्तखत तो किए, लेकिन ये भी कह दिया कि वो महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे, लेकिन पार्टी के फैसले का सम्मान किया। मैं खुद इसके स्टेज कब होनी चाहिए, स्टेज के आधार पर मैं इसका विरोध भी कर रहा था, लेकिन एक वफादार पार्टी के सोल्जर की हैसियत से मैंने इसमें हस्ताक्षर किए हैं। यही वजह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस समेत सात दलों के इस महाभियोग प्रस्ताव को बदले का महाभियोग कहा है। यह महाभियोग प्रस्ताव कांग्रेस और साथियों की हार का बदला है। जज लोया केस में यह फैसला हो गया था कि कांग्रेस झूठ फैला रही थी, अब कांग्रेस एक जज को डराने की कोशिश कर रही है। महाभियोग जैसे विषय को हल्के तरीके से लेना बहुत खतरनाक घटना है। राज्यसभा के 50 सदस्यों और लोकसभा के 100 सदस्यों के दस्तखत ऐसे मुद्दे पर जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए यह खतरा है। बाकी जजों को संदेश भेजने की कोशिश है कि अगर आप हमसे सहमत नहीं होंगे तो सिर्फ 50 सांसद आपसे बदला लेने के लिए काफी है। कांग्रेस के प्रस्ताव को लेकर देश के सबसे सीनियर वकील राम जेठमलानी ने भी महाभियोग लाने वालों की कानून की समझ पर सवाल उठा दिया है। ये जो पार्टी कर रही है काम, ये बिल्कुल बेकायदे है
कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और ये देखने में ऐसा आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते ही नहीं है। चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ऐसे समय में लाया गया है जब एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जज बी एच लोया की मौत की जांच कराने की मांग खारिज की है। आखिर महाभियोग के पीछे कांग्रेस की असली मंशा क्या है? क्या देश में राजनीतिक जंग को महाभियोग की शक्ल दी जा रही है? आशीष कुमार सिंह और देवेंद्र पराशर के साथ मनीष झा, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है, लेकिन इस महाभियोग को लेकर भी महासंग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही उनके नेता इसको लेकर एक मत नहीं है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अशोक वांकड़े, वरिष्ठ पत्रकार, प्रदीप सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, इसके अलावा प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता है बीजेपी के, और कांग्रेस की तरफ से है अभय दुबे। आप सभी का स्वागत है। अभय जी, सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के अंदर ही महाभियोग को लेकर नेताओं में एक मत नहीं है, तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि जो आपका जो महाभियोग है वो स्टैंड कर पाएगा आगे चलकर? देखिए अमित जी, न्याय की मर्यादा की रक्षार्थ ये दायित्व प्रतिपक्ष का है और सांसदों का खास करके, क्योंकि महाभियोग कभी दलीय आधार पर नहीं लाया जाता। ये बात सबसे पहले इस देश के चार मूर्धन्य सर्वोच्च न्यायालय के जजेस ने कही कि किस प्रकार अगर आज वो देश की जनता के सम्मुख अपना पक्ष नहीं रखते तो इतिहास कभी उन्हें माफ नहीं करता। क्योंकि आम तौर पर देश की जनता न्यायिक प्रक्रिया के अंदर झांक कर देखना नहीं चाहती। वो ये उनकी मान्यता है कि जो भी निर्णय सर्वोच्च अदालत से या अदालतों से दिए जा रहे हैं उसको शिरोधार्य करती, मगर ये दायित्व सांसदों का है कि अगर अभी जी दायित्व है सांसदों का है, सब कुछ है, लेकिन इसका मकसद क्या है? मकसद बताइए, मकसद, क्योंकि मकसद तो एंड में रिजल्ट ही होता है ना, इसका रिजल्ट क्या होगा? एक मिनट सुन लीजिए, एक बड़ा सवाल ये खड़ा किया गया कि जस्टिस लोहिया के केस का, जैसे जेटली साहब ने लिखा कि ये इंपीचमेंट रिवेंज का एटीट्यूड दिखाता है। अरे जेटली साहब, ये उस समय दे दिया गया था जब जज लोहिया साहब का निर्णय सर्वोच्च अदालत ने नहीं दिया था, और क्या फैसले के आधार पर इंपीचमेंट लाया जा सकता है? कतई नहीं। ये तो मिसबिहेवियर के ग्राउंड्स जो दिए हैं, पांच ग्राउंड्स जिसका उल्लेख आपने भी किया, हमने वो पुख्ता बातें रखी और माननीय मूर्धन्य न्यायाधीशों ने चार प्रामाणिक रूप से ये तथ्य रखे कि किस प्रकार एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय जो चीफ जस्टिस। लेकिन अभय जी आप जितना भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप एक इस सवाल का पहला जवाब दीजिए कि आप जो महाभियोग लेकर जा रहे हैं उसका मकसद क्या है? इंपीचमेंट का मतलब होता है कि जज को हटाना, आप चीफ जस्टिस को हटाना चाहते हैं, लेकिन क्या आपके पास वो नंबर है, क्या आप उनको हटा सकते हैं? अगर नहीं हटा सकते तो क्यों लेकर जा रहे हैं महाभियोग? देखिए अमित जी, एक बात देश को जान लेनी चाहिए कि राजनीतिक दलों के आधार पर नहीं, सांसदों की आधार पर इसको लाया जाता है। और अगर नैतिकता की लड़ाई लड़नी हो तो परिणामों की चिंता किए बगैर लड़नी है। आज न्याय की उस मूर्ति में अगर न्याय को पुनः प्रतिस्थापित करना है, उसकी आंखों से अगर निष्पक्षता की पट्टी हट रही है, उसका तराजू अगर असत्य की ओर झुक रहा है, तो ये नैतिक दायित्व है। ठीक है, ये आपका नैतिक दायित्व मानते हैं? प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, ये मानते हैं कि नैतिकता के वजह से लेकर ये महाभियोग लेकर आ रहे हैं, लेकिन क्या ये जायज है जो वो कर रहे हैं? क्यों? कि ये लोकतंत्र पर चोट नहीं है क्या? नैतिकता और कांग्रेस का कोई दूर दूर तक लेन देन नहीं है, और इस मामले में यदि ये नैतिक होते तो संविधान में इंपीचमेंट मोशन के संदर्भ में जो उल्लेख है उसके अनुसार जब तक इस पर पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होती, जब तक इंपीचमेंट मोशन एडमिट नहीं होता किसी सांसद ने सीजीआई के खिलाफ या किसी जज के खिलाफ जिस पर यह आरोप चल रहा है, इस तरह की हल्की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। आदरणीय राम जेठमलानी जी जो संविधान विशेषज्ञ हैं वो स्वयं कह रहे हैं, असंवैधानिक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह इसको दुर्भाग्यपूर्ण मान रहे हैं। सलमान खुर्शीद जो कानून मंत्री, इनके ही है दुर्भाग्यपूर्ण कह रहे हैं। अश्विनी कुमार जो इनके कानून मंत्री है दुर्भाग्यपूर्ण कह रहे हैं। या तो सलमान खुर्शीद को संविधान का ज्ञान नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को इन्होंने जो है, ये तो सलमान खुर्शीद जी का तर्क देखिए, उन्होंने कहा कि निर्णय से सहमत या असहमत हो तो नहीं लाया जाता, निर्णय के आधार पर परेशान ना हो। मुझे पता है राहुल विंची का परिवार जो है सर्वोच्च अदालत के निर्णय, राहुल विंची का परिवार जो है बैठी हो सकती है, अब वो जो है सर्वोच्च न्यायालय की जो लाया गया की बात कर रहे हैं आप। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि इसको लेकर जो महाभियोग लाया जा रहा है, अगर उस पर हम चर्चा करेंगे, भले ये बोल रहे हो कि इनके पास ये नैतिकता के वजह से
से लेकर आ रहे हैं, लेकिन महाभियोग जब लाया जा रहा है उसकी वजह क्या है कि आप चीफ जस्टिस को हटाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप टेक्निकलिटी है तकनीकी रूप से देखने जाए तो क्या वो हटा सकते हैं, क्या उनके पास वो नंबर है? तो कहीं ये सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने की सिर्फ और सिर्फ एक जरिया तो नहीं है? इस पर बात करेंगे प्रदीप जी से भी और अशोक जी से जो हमारे साथ मौजूद है, छोटे से ब्रेक के बाद। से महाभियोग लेकर आ रही है, लेकिन उसी के अंदर ही महासंग्राम छिड़ा हुआ है, क्योंकि उसके अपने ही कई नेता, बड़े नेता इस महाभियोग को लेकर एक मत नहीं है। इस पर हमने कांग्रेस का रिएक्शन लिया है, बीजेपी का रिएक्शन लिया है, लेकिन हमारे साथ अभी वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है। प्रदीप जी, आपने दोनों ही नेताओं को सुना, एक बात बताइए, जब पता है कि महाभियोग को ठहराने के लिए उसका मकसद है हटाना, हटा नहीं पाएंगे लेकिन फिर भी लेकर आ रहे हैं, मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि चीफ जस्टिस को हटाना नहीं है लेकिन राजनीतिक स्वार्थ को साधना है। अमित जी, ऐसा है कि एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहावत है, सौती के रिस कठौती पर। तो चुनाव में जो हार गए, उस चुनाव की चुनाव के हार का बदला जो है वो जुडिशरी के जरिए अपना स्कोर सेटल करना चाहते हैं। कांग्रेस इसमें असफल रही। आप देखिए, अभी जो अभय दुबे जी कह रहे थे कि ये प्रस्ताव जो है बजट सेशन के दौरान ही शुरू हो गया था जज लोया के फैसले से, वो प्रस्ताव लाने का की घोषणा इस बात का संकेत था, जुडिशरी के लिए एक तरह से धमकी थी कि हमारे मुताबिक फैसला नहीं होगा तो हमारे पास ये हथियार है जी। उनको मालूम है कि उस प्रस्ताव को वो अगर सदन में मान लीजिए एक्सेप्ट भी हो जाता है तो पास नहीं करा सकते। तो कांग्रेस का इतिहास रहा है जब राजनीतिक संकट में फंसती है, आप याद कीजिए 12 जून 1975 इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, 13 दिन बाद देश में इमरजेंसी लग गई, लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, शाहबानो का केस याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया गया क्योंकि मुसलमान वोट जाने का डर था। और अब देखिए, ये जज लोया का केस दरअसल कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए बना रही थी। फैसला नहीं आया तो उनको सत्ता में रहते हुए आदत पड़ गई है इस तरह की, प्रदीप जी अपने मुताबिक संस्थाओं को चलाने का। अभय जी से, अभय जी आपका जवाब लेंगे, आपका जवाब लेंगे ब्रेक के बाद, वक्त नहीं है, ब्रेक लेते हैं, वापस लौटते हैं, आपसे जवाब लेंगे जो प्रदीप जी के बयान को लेकर आप टिप्पणी देना चाहते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद। चीफ जस्टिस के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव का अंजाम क्या होगा, ये किसी से छिपा नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे कांग्रेस का ड्रामा कहा। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण का कहना है कि चीफ जस्टिस पर लगे आरोप गंभीर हैं। ये सब बनावटी है, ये एक ड्रामाबाज है और इससे कांग्रेस पार्टी का नाम बहुत खराब हो जाएगा, क्योंकि आज उच्चतम न्यायालय का एक इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है उसको गिराने के लिए प्रयास किया, उन्होंने नहीं किया, मोइली ने किया, कई लोगों ने किया। मुझे लगता है कि एक विभाजन हो गया कांग्रेस में, राहुल गांधी जो तोड़फोड़ में विश्वास करता है और ये जो पहले सरकार में रहे हुए लोग हैं जो चाहते हैं कि इनमें एक हमें हास्यास्पद स्थिति में नहीं जाना चाहिए। जो हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में और ख़ासकर जो चीफ जस्टिस कर रहे थे और जिस तरह के उन्होंने मिसकंडक्ट्स किए थे, इसमें मोशन में 5 सीरियस चार्जेस हैं मिसकंडक्ट के। सलमान खुर्शीद ने क्या बोला ये मुझे ठीक नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग खुश ना हों, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि ये सही प्रतिक्रिया नहीं है। मेरी राय में इम्पीचमेंट, ऐसी सिचुएशन में इम्पीचमेंट के अलावा और कोई ऑप्शन था नहीं। तो इस पर बात करने के लिए तमाम गेस्ट का पैनल हमारे साथ मौजूद है। हम बात करते हैं कांग्रेस नेता अभय दुबे जी से। अभय जी, जो बात आपने सुनी होगी, अभय सुब्रमण्यम स्वामी ने कही कि जो महाभियोग लाया गया है उसमें जो आरोप लगाए गए हैं, आरोप अगर आप लगा रहे हैं तो आप किसी ना किसी सबूत के बना पर लगाएंगे, लेकिन जो 5 आरोप लगाए गए हैं उसमें आपने कहा क्या? अगर हम बात करते हैं जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 की, उसमें कहा गया था कि पुख्ता और स्पष्ट सबूत होने चाहिए जजों के खिलाफ, लेकिन आप लोगों ने जो आरोप लगाया कहीं पर अपीयर्स टू बी, लाइकली, मे बी, यानी कि शायद, किंतु, परंतु, इस तरह से, हो सकता है, शायद, लग सकता है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो आप आरोप लगा रहे हैं उसमें खुद ही आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो क्या आप महाभियोग लेके उसको पटल पर रखेंगे? देखिए अमित जी, सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने जब उन चारों जजेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तब ये कहा था
कि वो चारों जजेस के क्रेडेंशियल्स बहुत हैं, उनके प्रश्नों पर प्रश्न खड़ा नहीं किया जा सकता। हमने क्या प्रामाणिकता से आरोप नहीं लगाए? हमने कहा कि जब सीबीआई इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ प्रामाणिक सबूत लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पहुंची, तब उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। क्या चारों न्यायाधीश ने प्रामाणिक रूप से यह आरोप नहीं लगाए कि मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट अमंग इक्वल होते हैं, तो जिन संवेदनशील केसेस को वो जिस प्रकार से मान्य परंपराओं के बाहर जा करके रोस्टर तय कर रहे हैं वो ठीक नहीं? चलते मुकदमे से चेलेमेश्वर जी के उन्होंने जब बेंच को चेंज किया, रोस्टर चेंज किया, तब ये लेकिन खड़ा हुआ। अभय जी आपने पढ़े होंगे ना आरोप, आपने आरोप पढ़े होंगे ना जो आप लोग आपकी पार्टी की तरफ से दिए गए थे, तो वहां पर इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों हुआ है? मे बी अपियर्स लाइक, जिसका हिंदी में मतलब अगर हम देखें तो क्या होता है? लगता है, शायद, संभावना है। तो जहां पर संभावना है, हो सकता है, शायद हो सकता है, तो आपने वहां पर कहां पर किया कि स्पष्ट और पुख्ता सबूत क्यों नहीं माना? क्या ये बात, मैं अभय दुबे जी से पूछ रहा, क्या ये बात किसी से छुपी है कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर इस बात से भी अनजान नहीं है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के जिस जज के मामले में ये बात, वो आज तक दबा कर बैठी है, मामले में इंक्वायरी का ऑर्डर सीबीआई ने दिया था, बोलते उस पे क्यों नहीं? ये प्रश्न समिति भी बनी, तीन सदस्यीय समिति की जो सिफारिशें हैं नहीं, मेरा एक सवाल है अभय जी से, इनको पता ही नहीं है, मेरा एक सवाल है अभय जी से कि अगर आपके आरोप इतना पुख्ता है तो आप ही की पार्टी के सलमान खुर्शीद, अभिषेक मनु सिंघवी, अश्विनी कुमार, ये लोग सार्वजनिक रूप से आकर क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है? मैंने तो कहा तथ्यात्मक रूप से बात की जाए। सलमान खुर्शीद जी ने फैसले का जिक्र किया, क्या फैसले पर इम्पीचमेंट लाया जाता है? कतई नहीं लाया जाता, वो तो लेकिन वो तो कह रहे हैं आप इसीलिए ला रहे हैं, क्या फैसले से सहमत नहीं है इसलिए इम्पीचमेंट कम उछल रहा है? अरे न्यायालय के निर्णय पर प्रश्न खड़ा नहीं किया जा रहा है, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग है, अशोक जी जो बात हम कर रहे हैं कि जो मेरिट है केस का, जो मेरिट है उसको तो देखा जाएगा ना। आप जो आरोप लगा रहे हैं, आपके आरोप में अगर खुद ही आप कॉन्फिडेंट नहीं है, ऐसी तैसी कर दी, मैं आपने प्रधानमंत्री कार्यालय की अवमानना की, आपने कंप्लीट कैबिनेट की अवमानना की, राष्ट्रपति के पद की संस्था का दुरुपयोग किया, और अब आपने न्यायपालिका की सवाल कहा, वो चारों न्यायाधीश ने कहा राहुल गांधी ने बिल फेंक दिया पाड़ कर, एक बच्चे ने जो है कैबिनेट की अवमानना कर दी, प्रधानमंत्री पद को दबा कर। प्रेम शुक्ला जी एक बार अशोक जी अपनी बात रख ले। प्रेम शुक्ला जी ज्यादा इतिहास में जाके इस केस को स्पॉइल मत करो। ये अशोक जी आप बताइए, मेरा ये कहना है कि मैं दुबे जी के इस बात को तो समर्थन देता हूँ कि एक पार्टी चाहे दो मेंबर की हो, यदि नैतिकता है तो नैतिकता के भरोसे उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं। सवाल है कि ये नैतिकता जागी इतने देर से क्यों? क्योंकि ये जो पांच पॉइंट है ये कोई आज के नहीं है, ये कई महीनों से, जब से वो जज बने तब से, उसके बाद ये तीन महीने पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद इतना समय क्यों लिया? दूसरी बात, यदि कांग्रेस को लगता है कि ये नैतिक जिम्मेदारी है तो कांग्रेस क्या है? आधी कांग्रेस कहती है कि ये नहीं होना चाहिए, आधी कांग्रेस कहती है होना चाहिए। पहले कांग्रेस अपने आप को इकट्ठा करे, फिर नैतिकता की बात करे। दूसरी बात, जो कहा गया कि भाई शाहबानू का एक एग्जाम्पल दिया गया, मैं सोचता हूं कि जिसकी सत्ता होती है वो कुछ प्रोरोगेटिव ले सकता है, क्योंकि जिसकी सत्ता होती है वो कानून बनाता है, और वो कानून ठीक लागू होता नहीं होता ये सुप्रीम कोर्ट देखता है। यदि शाहबानू के केस में कांग्रेस ने करके गलती किया तो फिर भारतीय जनता पार्टी अभी दलित उत्पीड़न मामले में जो बात कर रही है वो भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही एक अध्यादेश ही ला रही ना। सवाल है कि जो सत्ता में है उसका अधिकार होता है, लेकिन नैतिकता की दुहाई देके एक आप देश के सर्वोच्च जो संस्था है न्यायालय की, यदि उसकी क्रेडिबिलिटी को हिलाने का प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है ये कांग्रेस के लिए ठीक नहीं। पहले कांग्रेस अपने आप को ठीक करे। यही सवाल है कि आप जब महाभियोग लेकर आ रहे हैं, जो आप तथ्य कह रहे हैं, जो आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, नहीं, अगर जब आप लेके जाएंगे पटल पे जब ये गिर जाएगा तब ये बताइए कि जो देश है और साथ ही साथ संसद है उसकी क्या मर्यादा रह जाएगी लोगों के सामने और दुनिया के सामने? लोकतंत्र का मजाक नहीं बनेगा भारत का? देखिए अशोक वानखेड़े जी एक विद्वान पत्रकार हैं और विज्ञ हैं, मैं उनकी बातों पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं करना चाहता, मगर अशोक जी हमने प्रतीक्षा की इस बात की कि न्यायालय
स्वयं आंतरिक दृष्टिकोण से उस मसले को सुलझा ले, मगर अभी कुछ दिन पहले ही फिर दो न्यायाधीशों ने चीफ जस्टिस राहुल विंची जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्होंने कहा कि सीएम के निर्णय पर दुबे जी विश्वास जी पहले नैतिकता अपने पार्टी में तो लाइए। दुबे जी नैतिकता अपने पार्टी में लाइए। आपके पार्टनर सांसद ही आपके खिलाफ है। मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री जो जिनको एक स्थान है राजनीति में वो मना कर रहे हैं। आपके दो पूर्व राहुल जो कानून मंत्री रहे वो मना कर रहे हैं। इस बात को निर्धारित जवाब दीजिए आप। प्रधानमंत्री को, पूर्व प्रधानमंत्री जी को इस निर्णय में हमने स्वयं ने इस बात को तय किया और ये बात गलत है कि वो सहमत थे। तो सलमान खुर्शीद, उनके फैसले को आप विश्वास रखिए। मैं विषयों को आज देखिए, क्या जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो अनैतिक है? जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनकी नैतिकता मर गई? क्या कांग्रेस में ऐसे भी लोग हैं जिनकी नैतिकता नहीं है? क्या कांग्रेस ने ऐसे लोगों को लॉ मंत्री बनाया जिनके पास नैतिकता के नाम पे कुछ भी नहीं है? अभिव्यक्ति की आजादी है, सबको अपनी बात रखनी है। हाउस में भी अगर स्वीकारा जाता है तो पक्ष और प्रतिपक्ष में इसके आजादी भी देते राहुल विंची। और यही बताइए, अगर सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, इतना बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया और वर्किंग कमेटी की मीटिंग तक बुलाने की जरूरत नहीं समझी? अच्छा अभय जी को बोल लेने, जवाब दे दीजिए अभय जी, वक्त कम है। देखिए यही जी, यही प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, चाहे वो आंतरिक अंदर ही क्यों ना हो पार्टी के। आपने पार्टी का क्यों नहीं पर लाया भी नहीं जाता? कांग्रेस की कार्य समिति में कब डिस्कस हुआ है बताइए ना, कि हमको कांग्रेस की कार्य समिति पार्लियामेंट में। अभय जी का ये कहना है कि ये अभिव्यक्ति की आजादी है कि उनके कुछ नेता कुछ सांसद इस महाभियोग के साथ नहीं है, लेकिन कहीं ये जरूरी नहीं है कि क्या ये बचने की कोशिश तो नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं उनके जो नेता जिनके हम बात कर रहे हैं, पी चिदंबरम हो या फिर सलमान खुर्शीद हो या अश्विनी कुमार हो, वो सभी कानूनी जानकार हैं। वो जानते हैं कि शायद जो महाभियोग लाया जा रहा है उसमें वो मेरिट नहीं है। इसकी मेरिट पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले देखिए ओ माई गॉड, जिसमें है पीएम मोदी की लंदन यात्रा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने को लेकर महाभियोग का लाना, अपने आप में कांग्रेस के अंदर एकमत ना होना, कई सारी चीजें सवाल उठा देता है इस महाभियोग पर। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी पता है कि ये क्या संसद के पटल पर अब जाएगी तो इसका मकसद जो पूरा कर सकती है वो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ये सबको पता है कि चीफ जस्टिस को हटाना आसान नहीं होगा इस महाभियोग के जरिए, लेकिन फिर भी लाया जा रहा है तो इसका एक ही मकसद नजर आता है और वो है राजनीतिक स्वार्थ। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हम सभी जो गेस्ट हैं उनसे 10-10 सेकंड में जवाब चाहेंगे इसका। सबसे पहले रुक कर लेते हैं अभय जी का। अभय जी आपके पास 10-15 सेकंड है, बस ज्यादा वक्त ही होगा। देखिए कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, अगर न्यायिक व्यवस्था को दुरुस्त करना है तो कड़े और कठोर मन से भारी दिल से हमने ये निर्णय लिया है, क्योंकि लगातार प्रतीक्षा करते रहे कि न्यायिक व्यवस्था स्वयं को आंतरिक रूप से सुधारेगी, मगर वो आज भी सुधरती हुई दिखती नहीं। प्रेम शुक्ला जी आपका जवाब। हम नहीं जानते कि सिर्फ 4-5 महीने का जी वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, 10-15 सेकंड दे सकते हैं हर किसी को। चलना कांग्रेस की सामंती और फांसीवादी सोच का परिचय है, भारत संवैधानिक संस्थाओं की हत्या करने का कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा। आदरणीय प्रदीप सिंह जी विद्वान पत्रकार, उन्होंने सिद्ध किया, बताया, दृष्टांत दिए कि किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के समस्त को पूरी तरह से कुचलना और सामंती सोच, माफिया सोच जो है राहुल विंची की, उसके तहत ये किया जा रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो लेकिन जो बड़ी बात यही है कि जो महाभियोग लाया जा रहा है और जो टकराव पैदा करने की कोशिश की जा रही है न्यायपालिका और राजनीतिक पार्टियां जो करने की कोशिश कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि हमारा संविधान, हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र इन्हीं स्तंभों पर बनता है, मौजूद है, उनका वजूद इसी से बनता है। इसलिए इनको राजनीति में घसीटना अपने स्वार्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, सोचिएगा इस बात को। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद